पार्टी के नायक मोहम्मद भाई इधर आओ अब देख सकते हैं आमना सामने ये देख सकते हैं फिर से दौड़ाया जा रहा है फिर से दौड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग है और भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सरकार उसको संज्ञान में ले नहीं तो जनता आज संज्ञान सरकार पर ले ली है आज लाखों की संख्या में जो आप उपस्थित हुए इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सबको हृदय से आप सबके प्रति आभार खून देख रहा है खून हमारे कार्यकर्ताओं का खून है और इस खून का बदला 2024 में हम लोकतांत्रिक ढंग से मत के द्वारा खून का बदला हम इस सरकार से एक डरपोक सरकार एक भ्रष्ट सरकार की हिम्मत नहीं है कि झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी का सरकार का सामना करना डर से भाग गया संथाल भगवान और यहां हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर जो शांतिपूर्ण मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता को उस गांव पर उसकाने का काम प्रशासन ना करे हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए अगर प्रशासन उस गांव का काम करेगा इसका जिम्मेदार भी प्रशासन ही होगा फिर से एक बार पुलिस तो आ रही है सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कोई बाजिए मत ओप आरपीएफ होश में रहो पुलिस के बारे में सारे बगल होश में रहो बाजी चलाओगे पत्थरबाजी नहीं पत्थर मत चलाओ कार्यकर्ता है
से आगे बढ़ रहे हैं लोग पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे आगे बढ़ने की कोशिश और यहां से पीछे सभी फोर्सेस हो चुके हैं मतलब पल-पल यहां पे मूवमेंट हो रहा है अब क्या होगा यह बताना बहुत मुश्किल है कितना मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक एसपी और सिटी एसपी मौके पे ट्रैफिक एसपी और सिटी एसपी मौके पे मौजूद हैं जो तस्वीरों में इस वक्त आप साफ देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे पल पल यहां चेंज हो रही है और इस वक्त आप एक्शन पुलिस का साफ देख सकते हैं एक्शन मूवमेंट इसलिए जब जब हम लोगों ने संगठन को बढ़ाने का आपको आग्रह किया आपने बढ़ाने का क्या जब जब आंदोलन का आह्वान हुआ तो बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आप सब लोगों ने सफल बनाया इसलिए आपके चरणों के सामने
सात समुंदर इसलिए कह रहा हूं मैं स्वर्ण रेखा में हम उसको परवाह नहीं करेंगे कि स्वर्ण रेखा भी प्रदूषित हो जाएगी सरकार के कारण इसलिए सात समुंदर मैं हम उसको प्रभावित करेंगे दोस्तों इस तानाशाही सरकार और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस प्रकार से आज पुलिसिया कार्रवाई की गई है सरकार उसको संज्ञान में ले नहीं तो जनता आज संज्ञान सरकार पर ले ली है और एक ही नारा है सियासत खाली करो कि जनता आती है जनता आती है इस सरकार को जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का आह्वान नहीं दो साढ़े तीन करोड़ जनता क्या साढ़े तीन करोड़ जनता क्या के मन में आकांक्षा है कि सरकार से निजात मिलना चाहिए और साढ़े तीन करोड़ जनता की आकांक्षा और अभिलाषा का प्रतीक कौन पाती है भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों मैं विधायकों को और सांसदों को भी बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं हमारे सारे विधायक सदन के अंदर काले कारनामे करने वाले काले करतूत करने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे में जो चिलमन है उसको चिलमन को उखाड़ करके फेंकने का काम किया एक एक विधायक शेर की तरह सवा शेर की तरह उस सरकार को भंगा बनाने का काम किया सदन के अंदर इसलिए कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी की ओर से मैं सभी विधायकों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक दल के नेता बाबूलाल महाराज जी को भी धन्यवाद और सांसदों की भूमिका राज्य राज्य में विकास हो लगातार काम कर रही है दोस्तों केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन में पहुंचे इसके लिए हमारे सांसद